नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके न्यूज पॉइंट पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान प्रियंका चौधरी। और आज खास टॉपिक पर बातचीत के लिए मेरे साथ है मेरी सहयोगी श्रेया। और श्रेया, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, एक अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि अब आपको अपने घर पे किराएदार को रखना है या फिर किसी हेल्पर को रखना है। सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। क्या कुछ डिटेल्स है जरा बताइए हम। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से अगर कोई किसी भी स्ट्रेंजर हम नहीं जानते हैं, अगर वो आपके घर में आ रहे हैं रहने, तो आपको बहुत जरूरी है कि वेरिफिकेशन उनकी होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जिस तरह से ये रूल जो है पहले भी निकला है कि अगर आपके घर में कोई किराएदार आ रहा है, जो आप अपना ही घर उनको जो है रेंट पे दे रहे हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन, या कोई मेड हो या कोई भी वर्कर हो, उनकी वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि काफी सारे जो है हादसे भी देखने को मिले हैं जब बिना वेरिफिकेशन के अगर कोई भी अपने घर में किसी को भी रख सकता है। क्योंकि अब वो बिल्कुल स्ट्रेंजर है आपसे, आप उन्हें नहीं जानते वो कहाँ से आए हैं, लेकिन जो है वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वक्त जो है अपडेट जो निकल के सामने आया है कि जितने भी अगर आपके ने रेंट पे किसी को रखा है, तो उसकी वेरिफिकेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ 10 दिन के अंदर जो है आपको टाइम दिया गया है, जितने भी आपने रखे हैं, जितने भी आपके रेंट पे लोग रह रहे हैं, उन्हें वेरिफिकेशन की काफी ज्यादा भी जरूरी है। 10 दिन के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन कराना श्रेया, मैं पड़ेगा। आपने यहाँ पे 10 दिन का आपने यहाँ पे जिक्र किया है। क्या आपको नहीं लगता 10 दिन का समय बहुत कम है? क्योंकि अगर जिन लोगों ने अपने घर किराए पे दिए, अपनी दुकानें किराए पे दी, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये जो यूपी बिहार से कुछ वर्किंग क्लास आई होती है, तो उन्हें झुग्गियां बनाने के लिए भी अलाउ कर देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि 10 दिन का समय अप्रोप्रिएट है, या इससे ज्यादा टाइम भी इन लोगों को देना चाहिए? जी प्रियंका, 10 दिन का समय बहुत कम समय है वैसे। इतनी जल्दी इतना सारा प्रोसीजर करना काफी कम समय है, पर ज्यादा समय इस चीज को देना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 दिन के अंदर शायद ये मुमकिन ना हो पाए, लेकिन हाँ, ज्यादा टाइम देना चाहिए। और ये अगर कोई भी है, उनको ये प्रोसीजर जरूर इस वक्त जो है करना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है वेरिफिकेशन करना। जी देखिए, अगर रूरल वर्सेस अर्बनाइजेशन की बात करें, तो बहुत से लोग गांव से उठ के शहर में आते हैं ताकि वो ऑक्यूपेशन, कोई रोजगार ढूंढ सके। बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, और उनके पेरेंट्स को भी उनके साथ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना पड़ता है। तो उनके लिए आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक काम हो जाएगा कि अब हर एक की वेरिफिकेशन रखना, फिर वो डेटा रखना पुलिस विभाग पे भी एक भार है, और उसके बाद हायर अथॉरिटीज को उसका चेकआउट करना। सो डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी यू नो कॉम्प्लिकेटेड एंड अ वेरी यू नो इट्स एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एंड विद दिस वेरी प्रोसेस हाफ ऑफ द पीपल आर हैविंग अ लॉट मेनी प्रॉब्लम्स। और ये काफी ज्यादा क्रिटिकल होता हुआ नजर आ सकता है। और घर में किसी को किराए पे रखना, इतनी सारी वेरिफिकेशन होगी तो मैक्सिमम लोग किराए पे भी नहीं रख पाएंगे किसी को। जी प्रियंका, पर इस चीज के लिए अवेयरनेस भी जो है होनी चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपने घर में रख रहे हैं, तो वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी। हाँ, ये हैटेक हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इसको जरूर करना चाहिए। काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैटेक होने वाला है, क्योंकि 10 दिन काफी कम समय होता है ये सब प्रोसीजर करने के लिए। लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट है, तो लोगों को जरूर करना चाहिए, इससे पीछे नहीं होना चाहिए, और जल्द से जल्द जो है ये प्रोसीजर उनको करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज हमने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, अपने घर पे किराएदार रखना या अपना कोई भी दुकान या अपनी कोई भी प्रॉपर्टी लीज पर देना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है, अगर आप उसकी वेरिफिकेशन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को सबमिट ना करवाएं। और अदर देन दैट, आप लोग थोड़ा सा चौकन्ना रहिए, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो देखने को मिल रहे हैं कि आपके घर में आप किसी को भी स्ट्रेंजर को जब ले आते हैं, तो ऑटोमेटिकली मिस हैपनिंग के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। वेल, थैंक यू सो मच श्रेया वंस अगेन हमारे साथ आज इस डिस्कशन पे बातचीत करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स जेके न्यूज पॉइंट के साथ बने रहने के लिए। ऐसे कुछ और टॉपिक्स लेकर मैं और श्रेया आपके समक्ष आते रहेंगे। अभी के लिए हम दोनों को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।